हेलो स्टूडेंट्स वी वार डिस्कसिंग अबाउट सुपरा गुलाट गर वाई डिसेज इन विच वी हैव डिस्कसड समाइप्स सो टूडे वील डिस्कस अबाउट कफ लेस प्रीशेप सीलर दैट इज स्लीपा हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंस के बारे में जिसमें हमने कुछ टाइप्स डिस्कस किए ऑलरेडी तो आज हम डिस्कस करेंगे एक कफलेस प्रीशेपड सीलर जो होता है एल एम ए होती है एक सुपरागोलाटिक एयरवे डिवाइस होता है जो कि कफलेस होती है जिसका नाम है स्लीपा एस एल आई पी एट स्टैंड फॉर स्ट्रीम लाइनड लाइनर ऑफ द फेरिंग्स एयरवे तो स्लीपा जो होती है ये एक कफलेस लेस एयरवे डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं पेशेंट पे तो स्लीपर एक लेटेक्स फ्री डिवाइस होता है इसकी जो शेप होती है लाइक ए स्लीपर इस स्लीपर जैसी होती है तो ये प्री फार्म एयरवे है जो कि कफलेस होती है और फेरिंग्स की जो लाइंस होती है फेरिंग्स को ये लाइन करती है जब हम जब भी हम इंसर्ट करते हैं और ये किस चीज़ की बनी होती है मेडिकल ग्रेड थर्मोप्लास्टिक उस चीज़ की बनी होती है और स्टिप होती है ताकि हम इजीली इसको इंसर्ट कर सकेंगे इंसर्शन के बाद जब हम इंसर्ट करते हैं आपको पता होगा कि कफर्ड जो होती है सुप्रोगटिक ईयरवे डिवाइस जैसे जिसमें क्लासिक एल होती है प्रोसील एल में, वो जो कफर्ड एल होती है उनमें हम ईयर इन्फ्लेट करते हैं कफ ईयर इंसर्ट करते हैं कफ को इन्फ्लेट करने के लिए लेकिन कफलेस जो होती है लाइक स्लीपा भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कफ़ नहीं होता है तो इसका जो कफ होता है जब भी हम इंसर्ट करते हैं अंदर ये बॉडी टेम्परेचर से अंदर क्या होता है जब ये वार्म अप होती है टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ये सॉफ़्ट हो जाती है तो उससे क्या होता है सील जो होती है वो इम्प्रूव होती है और कंफर्टेबल पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है इससे इसमें एक हॉलो चैम्बर भी होता है सिमिलर टू बूट इन शेप बूट जो होता है वैसे ही इसमें भी एक चैम्बर होता है और इसमें क्या होता है एक टो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसोफेक्स के अपर एंड जो होता है इसोफेजल ओपनिंग की जो अपर एंड होता है वहाँ पे वो बैठ जाता है वहाँ पे रह जाता है और एक ब्रिज होता है जो कि वेलेक्ला के ऊपर बैठ जाता है वेलेक्ला जो स्पेस होती है बिटवीन एपिगलाट्स एंड टांग तो वहाँ पे ये बैठ जाता है ब्रिज टूर लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो होता है वो अपर एंड फैगलोपन की जो अपर एंड होती है वहाँ पे बैठ जाता है और इसमें जो हील होती है स्लीपा ईयरवे स्लीपा सुपरागलाट एयरवे डिवाइस होता है इसमें एक हील लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उससे क्या होती है ये जो डिवाइस होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है ये फिट हो जाता है प्रॉपरली अंदर फिट हो जाता है सेंटर में ब्रिज होते हैं टू लेटरल बल्जस होते हैं ब्रिज जो होता है सेंटर चैम्बर पे इसका जो सेंटर चैम्बर होता है वहाँ पे लेटरल दो बल्जस होते हैं ये बल्ज जो होते हैं ये पायरफार्म फोसा लैरिक्स का जो होता है वो ऑक्यूफाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है एपिग्लोटिस नीचे नहीं आ जाता है ओपनिंग के ऊपर नहीं आ जाता है तो इसमें चैम्बर जो होता है बूट लाइक स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बोला तो बूट लाइक स्ट्रक्चर मीनस इसमें चैम्बर होगा बूट के जैसे एक चैम्बर होगा हॉल ऑफ चैम्बर होगा तो उसमें कैपेसिटी होती है 50 एम की स्लीपर साइज 53 अगर हम बात करेंगे उसकी तो फिफ्टी एम एल स्क्रीशनस उसमें स्टोर हो गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स उसमें स्टोर हो सकते हैं तो उससे क्या होता है एस्परीशन प्रवेंट होता है अगर कुछ ट्रैक ओवरऑल स्क्रीशनस प्रोड्यूस हो जाएंगे या गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स आ जाएंगे वो एस्परेट नहीं हो सकते वो उसमें स्टोर हो सकते हैं उसमें जमा हो सकते हैं ये जो चैम्बर होता है बूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें ये कलेक्ट हो सकते हैं तो एस्परीशन इन द ईयर वे वो प्रिवेंट होता है तो ये डिफरेंट साइज़ में अडल्ट साइज़ में अवेलेबल होता है फोटी सेवन फोटी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी सेवन यूजली अडल्ट के लिए यूज़ होता है तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कॉरसपन्ट होता है मैक्मल ट्रांसफर्स डायमीटर इन मिलीमीटर्स ब्रिज का जो डायमीटर होता है वही ये साइज़ डिनोट करता है तो इसमें क्या होता है जो डिफरेंट साइज़ हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो एडवेंटेज इसमें क्या है इसमें एस्पिरेशन बहुत कम होती है एस्पिरेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें जो चैम्बर होता है उसमें सिक्रीशन सिक्रीशनस कलेक्ट हो सकती है और दूसरी जो एडवांटेज है इसमें सिक्रीशियन जब जमा कलेक्ट हो जाएगी अपटू फिफ्टी एम एल और कॉन्टेंट्स उसमें जमा हो सकते हैं तो एस्पिरेशन या गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स वो एस्परेट नहीं हो सकते हम इसको सकआउट भी कर सकते हैं सिक्रीशन्स बाहर भी निकाल सकते हैं और कॉस्ट इसका कंपेयर टू अदर ग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस बहुत कम होता है लो कॉस्ट होता है ठीक है तो इंसर्ट कैसे हम करते हैं दूसरे एल एम ए जो होते हैं इस स्लिपा को हम ग्लाइड नहीं करते हार्ड पैलेट के ऊपर तो इसमें जो प्री करो होता है वो डिवाइस को और फेरिजल के थ्रू ईजीली इंसर्ट करने में हमें मदद करता है हेड और नेक जो होता है वो मॉर्निंग स्निफिंग पोजिशन स्निफिंग पोजिशन में होता है माउथ ओपन करके हम क्या करते हैं स्लिप बाद ईयरवे जो होती है उसको हम एडवांस करते हैं सुप्राग्लाटिक एयरवे डिवाइस जो होता है स्लीपा उसको हम एडवांस करते हैं टूवर्ड्स द ईसोफेगस हील जो होती है इस डिवाइस की वो ऑटोमेटिकली ने में फिट होती है और ईसोफेगस का जो अपर एंड होता है वहाँ पे इसका जो टो तो लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है तो सील क्रिएट करता है अब अगर कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस हो जाएंगे वो बूट लाइक चैम्बर में कलेक्ट होते हैं तो डिफरेंट साइज़ जो इसके अवेलेबल होते हैं फोटी सेवन फोटी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव तो फोटी सेवन वेरी स्मॉल फीमेल अगर होगी तो उसके लिए यूज़ करते हैं फोटी सेवन साइज़ स्लीपा फोटी नाइन स्मॉल फीमेल्स फिफ्टी वन मीडियम फीमेल्स अगर लार्ज फीमेल होगी या स्मॉल मेल्स होंगे तो उनमें हम फिफ्टी थ्री साइज़ स्लीपा यूज़ करते हैं मीडियम मेल होगा तो उनके लिए हम फिफ्टी फाइव साइज़ स्लिपा यूज करते हैं लार्ज मिल्स के लिए हम फिफ्टी सेवन साइज स्लिपा जो होती है वो यूज करते हैं तो फिर से मैं आपको बोलूँगा स्लिपा जो होती है ये एक कफलेस प्रीशेपड सीलर होती है कफलेस प्रीशेपड सुपरा ग्लॉटिक एयरवे डिवाइस होता है जो कि हम यूज करते हैं पेशेंट्स में स्लीपा मीन स्टैंड फॉर स्ट्रीम लाइनड लाइनर ऑफ द फेंस एयरवे स्लीपा एक लेटेक्स फ्री डिवाइस होता है जो कि जिसकी शेप स्लीपर जैसी होती है ये प्री फॉर्मड एयरवे है जो कि कफलेस होती है मेडिकल ग्रेड थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है और स्टिप होती है तो ताकि हम इसको इजीली इंसर्ट कर सकेंगे इंसर्शन के बाद ये बॉडी से वार्म होती है टेम्परेचर से सॉफ्ट होती है बॉडी टेम्परेचर से सॉफ्ट होती है तो उससे क्या होता है एक तो सील इंप्रूव होती है और कंफर्टेबल फील होता है पेशेंट को इसमें एक चैम्बर भी होता है सिमिलर टू बूट बूट की बूट की जो शेप होती है वैसे ही इसमें भी एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिक्रीशंस कलेक्ट हो सकती है जिसमें सिक्रीशंस जो होती है वो स्टोर हो सकती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स कलेक्ट हो सकते अप टू 50 एम तो उससे क्या होता है एसपरेशन इन द ए एयर वे वो प्रिवेंट होता है एसपरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं लेकिन अडल्ट साइज ही अवेलेबल होते हैं फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव फिफ्टी सेवन जो कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं अगर हम एडवेंटेज की बात करेंगे तो एडवेंटेज इसमें क्या होता है एस्परेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें जो चैम्बर होता है उसमें सिक्रीशन गेस्ट कॉन्टेंट्स कलेक्ट हो सकते हैं तो उससे क्या हो जाएगा एस्परेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कॉस्ट कंप्यूटर टू अदर एयरवे डिवाइस बहुत कम होता है आदर, कम होता। लो कॉस्ट होता है इसका सो दिस इज़ अबाउट सिलिपा एयरवे स्लिपा एयरवे डिवाइस जो कि हमने ब्रीफ में डिस्कस किया होप यू विल अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच